यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य को हृदय से प्रणाम और टिवाड़ी को शुक्रिया अदा करते हुए मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। आन बान शान की खातिर, आन बान शान की खातिर वो लड़े हिंदुस्तान की खातिर, आन बान शान की खातिर वो लड़े हिंदुस्तान की खातिर, दिन रात देश की सेवा की, बस लोगों की जान की खातिर। शुक्रिया शुक्रिया। लिखा है कि गांव में मिल जाती थी दो वक्त की रोटी, गांव में मिल जाती थी दो वक्त की रोटी, शहर में भूखा रहा बस विकास की खातिर, शहर में भूखा रहा बस विकास की खातिर। और नजर है कि देखो यारो मैंने ये कैसी आदत डाली है, देखो यारो मैंने ये कैसी आदत डाली है, एक तरफ मैखाना है दूजी बोतल खाली है, एक तरफ मैखाना है दूजी बोतल खाली है, बंटवारे में सब बट गया माँ को मैंने बटा ली है, बंटवारे में सब बट गया माँ को मैंने बटा ली है, कुछ तस्वीरें रखी हैं वैसे ये घर खाली है, कुछ तस्वीरें रखी हैं वैसे ये घर खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा कि तेरे दिए हुए हर जख्म संभाले हैं हमने, तेरे दिए हुए हर जख्म संभाले हैं हमने, तेरे यादों को बच्चों की तरह पाले हैं हमने, तेरी यादों को बच्चों की तरह पाले हैं हमने, खत में लिखे तेरे मोहब्बत के वो चार शब्द, खत में लिखे तेरे मोहब्बत के वो चार शब्द, रट रट कर सीने में उतारे हैं हमने, रट रट कर सीने में उतारे हैं हमने। और है कि हमें गंवार कहने वाले गंवार कहते रह जाएंगे, हमें गंवार कहने वाले गंवार कहते रह जाएंगे, हम ऐसे निखरेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, हम ऐसे निखरेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, और इतना ऊंचा होगा नाम हमारा कि सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया। और एक शेर है कि इस रिश्तेदारी में मोहब्बत यारी में, इस रिश्तेदारी में मोहब्बत यारी में, हम तो खुद ही लुट गए अपनी वफादारी में, हम तो खुद ही लुट गए अपनी वफादारी में। और देखिएगा कि एक शेर है कि जमाना जमाना तुम्हें फालतू ना समझ समझता रहा, यार तुम तो बड़े हुनरदार निकले, यार तुम तो बड़े हुनरदार निकले, झूठ बोलना तुम्हें काफी अच्छे से आता है, जरा ये बताओ ये कोर्स तुमने कहाँ से किया है, जरा ये बताओ ये कोर्स तुमने कहाँ से किया है। समझता था, चंद गजल की लाइनें हैं कि देखिएगा कि समझता था तुझे मैं चांद मगर ये दाग ना देखा, समझता था तुझे मैं चांद मगर ये दाग ना देखा, जरा सी थी धड़कन मगर ये आग ना देखा, और समरते बाल का लम्हा बिखर जाना ही अच्छा था, तेरे आने से तो अच्छा तेरा जाना ही अच्छा था, तेरे आने से तो अच्छा तेरा ही जाना ही अच्छा था। कि लिखिएगा, लिखा है कि सुनिएगा, घर पुराना हो तो अच्छा होता है, घर पुराना हो तो अच्छा होता है, माँ बाप का सहारा हो तो अच्छा होता है, घर पुराना हो तो अच्छा होता है, माँ बाप का सहारा हो तो अच्छा होता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, अगर घर में किराना हो तो होता है, अगर घर में किराना होता है। देखिएगा कि ये तो सच है कि तुम मुझसे रूठी है, देखिएगा कि ये तो सच है कि तुम मुझसे रूठी है, बात ये नहीं कि साख टूटी है, ये तो सच है कि तुम मुझसे रूठी है, बात ये नहीं कि साख टूटी है, साख टूटी है तो फिर पनपेगी कभी, साख टूटी है तो फिर पनपेगी कभी, बात ये नहीं कि तू झूठी है, बात ये नहीं कि तू झूठी है, तुम और तुम्हारे वो खत जो पेटी में रखे हैं, तुम और वो तुम्हारे खत जो पेटी में रखे हैं, सच तो ये है उसे मेरी बेटी ने रखे हैं, सच तो है कि वो मेरी बेटी ने रखे हैं, तुम्हारे पसंद की हर वो चीज मेरे कमरे में रखी है, बात ये है तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। समझिएगा कि चंद शेर और शायरी के साथ अपनी जगह लेंगे फिर, कि बहन के लिए लिखा है कि बहनों की शान होता है भाई इसलिए परेशान होता है भाई, बहनों की शान होता है भाई इसलिए परेशान होता है भाई, उनकी हिफाजत के लिए हर समय तैयार होता है भाई। और देखिएगा कि एक ऐसा ही लिख दिया कि लोग झूठ भी कितनी सफाई से बोलते हैं, लगता है जैसे सच्चाई से बोलते हैं, लोग झूठ भी कितनी सफाई से बोलते हैं, लगता है जैसे सच्चाई से बोलते हैं, मुंह पे इनकी मीठी मीठी बातें बाद में जहर जबान बोलते हैं, बाद में जहर जबान बोलते हैं। और देखिएगा कि एक ऐसे ही, अक्सर लड़कियों को पसंद आते हैं लफंडल लड़के, अक्सर लड़कियों को पसंद आते हैं लफंडल लड़के,
हम कहाँ ठहरे बवंडर लड़के, हम कहाँ ठहरे बवंडर लड़के। उन लड़कियों से हमारी बिल्कुल नहीं बनती जिनको चाहिए कलंदर लड़के, जिनको चाहिए कलंदर लड़के। देखिए देखिएगा कि रकीब विवेक भैया के लिए, वो रकीब का है कि एक सुना देते हैं आपको। वैसे हाँ बस चंद लाइनें हैं वैसे कि तुम अपने होठों पे जो लिपस्टिक लगाई हो लगता है फ्री का पाई हो। तुम अपने होठों पे जो लिपस्टिक लगाई हो लगता है फ्री का पाई हो। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे होठ रंग बदरंग दिख रहे हैं, लगता है अभी रकीब से मिलकर आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।